छोरी रिव्यू। हेलो गाइस, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन दबा लें। तो छोरी नाम की एक फिल्म कल यानी 26 नवंबर को अमेज़न पर स्ट्रीम हुई और हमने पहले झटके में देख डाली। तो क्या, क्यों और कैसी है फिल्म, करेंगे उसी पर बात। उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक हॉरर फिल्म है और अकेली ऐसी इंडियन हॉरर फिल्म है जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी दिखाया गया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल फुरिया ने, जो इससे पहले फोरेंसिक नाम की फिल्म भी बना चुके हैं। वैसे वो मलयालम इंडस्ट्री में काम करते हैं और फिल्म के अगर कास्ट की बात करें तो नुसरत भरूचा लीड में है और साथ में मीता वशिष्ठ, राजेश जैस, सौरभ गोयल भी है। फिल्म का रन टाइम 129 मिनट है और इसे टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है। अंशुल चौबे की सिनेमेटोग्राफी है। असल में ये फिल्म 2017 में आई मराठी फिल्म लपा छपी का रिमेक है। लपा छपी को भी विशाल फूरिया ने ही डायरेक्ट किया था और अब उसके रिमेक को भी नुसरत भरूचा को आपने कई फिल्मों में पहले भी देखा है, जिसमें प्यार का पंचनामा 1 और प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी और छलांग आदि मुख्य है। लेकिन इस फिल्म में नुसरत ने अपनी पुरानी बनी बाई इमेज को तोड़कर एक संजीदा अभिनय किया है और बात अगर एक्टिंग की करे तो नुसरत ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो लोग दुनिया भर का हॉरर कंटेंट पसंद करते हैं उनके लिए वन टाइम वॉच फिल्म है ये। वैसे तो हिंदी सिनेमा में पिछले कुछ सालों में कुछ भी बनता रहा है हॉरर के नाम पर, लेकिन ये फिल्म थोड़ा हटके है। तो बात करते हैं फिल्म के प्लॉट पर। स्टोरी हरियाणा के एक गांव से शुरू होती है जिसमें सिटी में रहने वाले हेमंत यानी सौरभ गोयल अपनी प्रेग्नेंट बीवी साक्षी के साथ रहते हैं। हेमंत के साथ साक्षी अपनी प्यारी और खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी जी रही होती है। हेमंत ने अपने बिजनेस को सेट करने के लिए किसी से उधार लिए होते हैं, जिन्हें वे ये उधार वापस नहीं कर पाता, जिसके चलते ये लोग उधार वापस लेने के लिए हेमंत के खून के प्यासे हो जाते हैं और कर्ज नहीं चुका पाने के लिए साहूकार के गुंडे उसे पीट देते हैं। उनसे बचने के लिए वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी साक्षी यानी नुसरत भरूचा को अपने ड्राइवर राजेश जैश के गांव में छोड़ देते हैं। साक्षी 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। गांव है हरियाणा का और उसके ड्राइवर की बीवी यानी मीता वशिष्ठ उसकी देखभाल करती है। कुछ दिन बाद साक्षी यानी नुसरत भरूचा को पता चलता है कि इस गांव में किसी आत्मा का साया है यानी भूत है और वो भूत सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के ही पीछे पड़ता है। साक्षी को ये भी पता चलता है कि उसके पति का ड्राइवर और उसकी पत्नी कई तरह की तंत्र क्रिया और टोने टोटके करते रहते हैं। उसका पति उसे वहाँ छोड़ने के बाद से ही किसी न किसी बहाने से गायब रहता है। यह नुसरत की दोस्ती गांव के 3 बच्चों से हो जाती है, लेकिन मीता वशिष्ठ को ये पसंद नहीं आता। इन 3 बच्चों के साथ एक औरत भी नजर आती है, ये बुरी शक्तियां होती है जिनसे साक्षी को खुद को और अपने बच्चों को बचाना होता है। अब साक्षी इन बुरे सायों से खुद की और अपने बच्चों की रक्षा कर पाती है या नहीं, इसके लिए आपको फिल्म देखना होगा। गांव की लोकेशन गन्ने के खेतों के बीच बना एक बड़ा सा घर है जो गांव वाला पूरा फील देता है। मूवी हल्का फुल्का सस्पेंस लगातार बनाए रखती है और लगातार कुछ ना कुछ खुलासे होते रहते हैं। बाद में फिल्म सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करती है कि कैसे बच्चियों को कोख में ही मारने की साजिश रची जाती है और बीच बीच में हॉरर का तड़का चलता है। बहुत सी बातें लॉजिकल नहीं लगती कि इतने लंबे वक्त तक उसका पति अपनी प्रेग्नेंट बीवी को कैसे गांव में छोड़ सकता है। खैर, मेन मुद्दा हॉरर के तड़के के साथ फिल्म कहना है और वो बात फिल्म देखकर ही समझ आती है। शुरू के 15 मिनट कुछ खास नहीं है और 1 घंटे तक फिल्म थोड़ी स्लो लगती है और बाद के 1 घंटे में काफी तेजी से चलती है जो इतना डीप हॉरर फील नहीं देती। ग्लैमरस और बोल्ड किरदार निभाने वाली नुसरत एक साधारण महिला के किरदार में जबरदस्त लग रही है। मीता वशिष्ठ भी भन्नो देवी के किरदार में बेहतर लग रही है और फिल्म जितनी सरप्राइजिंग है उतनी ही डरावनी भी है। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी शानदार है। ओवरऑल फिल्म वन टाइम वॉच है।